सेट हो गया अभी ग्राउंड फ्लोर पे। तो अगले 30 दिनों तक ये हमारा साम्राज्य है, हमारा खिताब लेकर आया जाए। जब हम निकलेंगे कोई खत्म वहां मिलेगा। ताने ने अपना ब्लैंकेट लगा लिया वहां पे। और टॉप पे थी जो हमने पहले करी 500-600 मीटर ऊपर है। हाँ, कैंप साइट वो बिल्कुल प्लेन थी। वहाँ पे तो अभी बंद है कैंप साइट। अच्छा, वो टोटली बंद है। सुबह हम मौसम साफ रहेगा तो हम सुबह जाएंगे। अच्छा। थोड़ा सनसेट देखेंगे, अगर वैदर क्लीन हो जाएगा तो बढ़िया से सनसेट करके। तो अभी तो डिसाइड करते हैं अपन लोग कि कहाँ कैंप लगाना है। यहाँ तो नहीं करेंगे, हम करेंगे कोई अलग लोकेशन पे। तो अभी स्नैक्स वगैरह आ रहा है। पहला पार्ट लोगों ने देखा और काफी अप्रिसिएशन भी मिली। अब सेकंड पार्ट की बारी है। पानी की बोतल नहीं, मैं उसको दिखा रहा था, आपकी नजर किस पे गई है? नीचे रॉयल पानी की बोतल। व्हाट एन अमेजिंग व्यू। अभी वक्त हो रहा है 6 बजे शाम के। जो पहले वाली वीडियो आपने उसमें देखा कि हम लोग आए ट्रैक करके, कितना अच्छा रहा। और अब बारी है कैंपिंग करने की, कुछ स्नैक्स की, मजे करते हैं, दिखाते हैं। जल्दी रात हो जाएगी, फिर ज्यादा शूट नहीं कर पाएंगे, तो अभी दिखाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कैंप लगाने। अंशु भाई कैंप फिट करेंगे, हमारे 2 कैंप हैं। और ये देखो अमेजिंग व्यू। अभी बादल हटे हैं। कौन सी रेंज है? धौलाधार रेंज। वाव, अभी अगर सब हट जाएंगे ना बर्फ के पहाड़। पहले हम सोच रहे थे वहाँ फ्लैग के पास लगाने के लिए, बट एक बार हम यहाँ जा रहे हैं देखने फाइनली जो हम चाह रहे थे, सनसेट। बहुत अमेजिंग व्यू, कितना क्लाउड सारे नीचे और यहाँ पे कैंप सारे। अभी तक तो बादल हो रहे थे और हमारा लक देखो, माउंटेन पे ऐसी आपको जो बात बोली थी वो सच है कि नहीं? बिल्कुल सच। एवरी 5 और 10 मिनट्स का वेदर चेंज है। कितनी प्यारी लाइट आ रही है इस वक्त। अब ये बैक साइड में रेंजेस में देखोगे तो कितनी सही लाइट आ रही है। हाँ, उधर टॉप पे बहुत ही प्यारा अमेजिंग व्यू है। हालांकि यहाँ पे क्राउड काफी है, काफी लोग आए हुए हैं क्योंकि कैंप साइट यहाँ पे पहले तो नहीं थी इतनी। हालांकि मैं 2 साल बाद आ रहा हूँ तो काफी कैंप साइट यहाँ पे हो गई है। और अभी हम देख रहे हैं अपना कैंप कहाँ लगेगा, अभी तक डिसाइड नहीं करा। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर सन डाउन हो जाएगा पूरा और ये लाइन पूरी नीचे हो जाएगी। क्लाउड्स तो आ ही गए नीचे, हालांकि ये व्यू बहुत कम देखने को मिलता है। अदरवाइज पूरे क्लाउड रहते हैं ऊपर तक जो अभी तक थे आपने देखे। तो ये हमारे कैंप तैयार हो रहे हैं। सुबह से यही सुन रहे हैं भाटिया भाटिया। तो इसलिए मुझे नाम नहीं पता था। बहुत मेहनती भाई यार, ये 1.5 घंटे में ऊपर आ गए ट्रैक करके, जिसमें बोल रहे हैं कि मैं बैठा भी था। बैठा भी था आधे घंटे या 15 मिनट जो बैठे होंगे। ऊपर जाके आए हूं अभी। क्या क्या खाते हो? क्या मतलब खाना ही आता है, कुछ अलग आता है? नहीं, कुछ वो तो नहीं विराट कोहली वाला पानी 4000 वाला ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, थोड़ी देर में लाइट जाने वाली है। जब तक शूट कर रहे हैं करते हैं, फिर लाइट का इंतजाम करेंगे। बोलो भाई कहां रखना है इसको? ठीक है भाई, ठीक है। थोड़ा आगे और थोड़ा आगे, बस इस पे अब आउटर लगेगा। उसके बाद वो आएगा ना भाई, ये हाँ मेट्रो आएगा। ये तो ये कि अगर बारिश वारिश आ गई तो पूरा सेफ रहेगा। स्नो अब पूरी वैली दिख रही है, बाबा जी की गुफा। आज इसमें तप करेंगे हम, भिक्षा हम देही। वहां जाएंगे उधर, वहां से फिर उठा के लाएंगे, फिर लगाएंगे एक और कैंप यहाँ पे। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो अपना स्टोव वगैरह कहाँ रहने वाला है? स्टोव हमारा बिल्कुल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। चेयर वगैरह अपनी यहाँ रहेंगी। और नीचे का व्यू तो देख एक बार। ताने आपने अपना ब्लैंकेट क्यों छोड़ा यहाँ पे? ये तुम्हारा है? अच्छा, ये अलग से सोएगी ना? कैंप तो है नहीं इसके लिए, अलग से सोएगी। वो तो करते अपना पेट सेट एक बार। सिग्नेचर सब बनता है यार, ये नहीं वो वाला एक बार। हाँ ये देखो, जस्टिन बीबर की जो गर्लफ्रेंड है उसने सिखाया था। जस्टिन बीबर की वाइफ हो गई है। ये अपना दूसरा कैंप पैक पूरा।
बाहुबली बाहुबली आते हुए साम्राज्य गिर दें किसी पे आपका लग ही जाता है ना और गजब 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 सेट हो गया अभी ग्राउंड फ्लोर पे तो अगले 30 दिनों तक ये हमारा साम्राज्य है हमारा खिताब लेकर आया जाए यहाँ बैठकर हमारी होगी ये ध्यान से निकलना आपने ठीक है क्यों देखो अच्छा एकदम से डरा दिया तुमने एकदम देखो अभी तक हम गारंटी नहीं दे रहे जब हम निकलेंगे कोई खत्म वहां मिलेगा ताने ने अपना ब्लैंकेट लगा लिया वहां पे अंशु भाई बेस्ट है ठीक है बेस्ट है अच्छा सुनो मैं कह रहा था मेन पॉइंट पे आते हैं सबके कैंप्स वहां लगे हैं अलग कैंपिंग चल रही है कुछ लोगों ने वहां ऊपर लगाए हैं और उसके बाद आती है हमारी लोकेशन ये अब ये करके दिखाओ हमारे सर है जो शेफर्ड है वो टाइम से ऊपर आ रहे हैं अच्छा वो जो आप देख रहे हो ऊपर वो शिप्स वगैरह हां हां ये सब इनों के अंडर अच्छा वो सॉरी अच्छा तो ये कम से कम अराउंड के लिए 200-300 की होगी सर जैसे ये ग्रीनरी जो होती है ना तब ये ऊपर आ जाता है कोई शिप्स को खाने के लिए और ये जो रेंजेस देख रहे हो आप ये इनों के बैक साइड में भी जाते हैं 200-300 शिप्स को लेके अब इनों के साथ एक पार्टनर और होगा और ये शिप्स है शिप्स के साथ 2-3 डॉग्स होंगे जो इनको प्रोटेक्ट करेंगे अच्छा ठीक है काफी इनकी हार्ड वर्किंग होती है लाइफ में बहुत ज्यादा इसी के दिख रहा धर्मशाला दिख रहा है ये आपका पूरा इस साइड जो है ये मैक्लोडगंज एरिया है सारा नीचे तो वो धर्मशाला एरिया आ जाएगा आपका अच्छा। वो धर्मशाला उधर ये नीचे वाला धर्मशाला ये नीचे वाला ये ऊपर वाला ये बागसुनाग ये मैक्लोडगंज ठीक है और इससे नीचे वाला धर्मशाला वहाँ से दिख रहा था जब हम गाड़ी से आ रहे थे ना ये रेंजेस दिखना शुरू हो जाएगी कांगड़ा में एंटर करती हमें शो हुई थी और ये रेंजेस के भी क्लाइम होती है यहाँ पे ये भी समिट होते हैं ये भी ट्रैक होते हैं ये मून पिक है वो उस साइड कैमल है और ये मेट्रो हॉर्न है अच्छा तो इस साइड कैमल के साथ इंद्रहार पास है अच्छा। वो भी समिट होता है ऊपर जैसे ये कुक वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर अगर लाइट डाउन हो गई तो सुबह शूट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है पावर बैंक आप लेके आओ कैरी करके आओ छू मंतर ओ, 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 ये हमारी फेरी लाइट्स विद द सनराइज व्यू कितना ब्यूटीफुल हो रहा है ये नीचे वैली और ये हमारे कुछ नए दोस्त जो हमारे कैंप के बिल्कुल पास थे नजदीक हमारी सुरक्षा के लिए जेट प्लस सिक्योरिटी गुड मॉर्निंग गाइस मॉर्निंग इतने ब्यूटीफुल नेचर के साथ सुबह हुई है कि मजा आ गया रात भर इतनी अच्छी नींद आई स्लीपिंग बैग में सोए मजा ही आ गया बट ये कि पता नहीं लगा ठंड का तो बिल्कुल भी हालांकि ठंड बहुत थी जब रात को बाहर निकले थे तो ठंड बहुत थी और अंदर भी आ रही थी बट कैंप के अंदर ठंड नहीं थी इतनी और स्लीपिंग बैग तो काफ़ी अच्छे थे तो मतलब मज़ा आया पूरा रात को काफ़ी इन्जॉय किया जो शूट नहीं कर पाए क्योंकि लाइट बहुत इशू है यहाँ पे हालांकि हमने लाइट लगा रखी थी बट शूट करने लायक नहीं थी मैंने आपको बाकी दिखाया है सारा और अब नाश्ता करते हैं उसके बाद रेडी होते हैं फिर यहाँ से ट्रैक करते हैं वापस नीचे का मैक्लोडगंज क्योंकि अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मैक्लोडगंज ये वो लोकेशन थी जहाँ हमारे कैंप लगे थे ये त्रिवेणी टॉप का और यहाँ पर हमारा ये सब कैंपिंग साइट है ठीक है जी बाय बाय कर दो फिर कोई हमारे थ्रू आता है हमारे नाम से व्लॉग देखने के बाद आता है और बुकिंग कराता है आपसे तो डिस्काउंट मिलेगा कुछ बिल्कुल भैया डिस्काउंट 110% डिस्काउंट मिलेगा उसको ठीक है तो ये रही सबसे अच्छी बात अगर आप हमारे थ्रू आते हैं और भाई को कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा ब्रेकफास्ट भी करा रहे हैं डिनर भी करा रहे हैं ऑन द वे स्नैक्स भी है और एक बार अगर आप बुक करोगे तो आप रिग्रेट नहीं करोगे क्योंकि यहाँ जन्नत है वो टॉप पे ये होता है माउंटेन का साइन अच्छा अगर इनकेस कोई जैसे गुम हो जाता है तो उसको ये जगह जगह बने होंगे आपको जैसे एक देखो ये पीछे की बना हुआ है और एक वो वहाँ पे बनाया टॉप पे
वहाँ से भी रास्ता है विलेज में जाने के लिए। अच्छा, तो मतलब बेसिकली ये साइन बोर्ड है एक तरीके से। साइन बोर्ड है कि भाई यहाँ से कट है। बिल्कुल, जो पहले के लोग करते थे ना, बिल्कुल चिन्ह बनाते थे बिल्कुल, ताकि लोग भटके ना। और ये बातें हर कोई नहीं बताएगा आपको कि ये क्या रीजन होता है। हाँ। और हर कोई पूछता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है, सिर्फ अपने काम से मतलब चलो ऊपर आए और चले गए, वही चीज है। तो वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स, नीचे उतर रहे हैं अब। और मैंने जब फर्स्ट व्लॉग में बोला था जब हम ऊपर जा रहे थे, जो आपने देखा नहीं है तो आप देख लेना, जो कूड़ा कचरा लोग फैलाते हैं जो मिलेगा गार्बेज बैग बनाएंगे, उसमें डंप करेंगे और साथ में लेके जाएंगे। अंशु भाई प्रिपेयर कर रहे हैं गार्बेज बैग, जिसमें जो भी हमें बॉटल्स वगैरह दिखेंगी रास्ते में वो सब इसमें डंप होगी। जिसको भी लग रहा हो कि अगर ये वीडियो के लिए है तो भाई वीडियो के लिए सही, लेकिन डू डैट जस्ट फॉर वंस, एक बंदा भी करेगा तो बहुत कुछ बदलेगा। ऐसे देखने में कितना प्यार लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीनरी अच्छी लग रही है, लेकिन जब उसके पास जा रहे हैं तो क्या दिख रहा है, गार्बेज के, गार्बेज, गंदगी कौन कर रहा है, हम लोग में से कोई एक ही है बिल्कुल ये सब करता है बिल्कुल। चलो भाई, और बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। जो मैंने नोटिस करा है कि हम लोग ने कितने टूरिस्ट देखे आते हुए, टूरिस्ट कलेक्ट नहीं करते ये सब, जो लोकल्स होते हैं ना, क्योंकि उनका तो घर है ये, बेसिकली पूरा पहाड़ उनका घर है, चाहे वो उसकी ज़मीन ना हो, कुछ भी ना हो, उसका कोई वहाँ से मतलब ना हो, कोई मतलब ना हो, बट ये कि इनका पहाड़ पूरा है तो अपना मानते हैं, साफ रखते हैं, घर को तो साफ हर कोई रखता है। और अगर आपके यहाँ गेस्ट जा रहे हैं तो आपके घर को गंदा करके जा रहे हैं, वो बहुत गलत है। एक गाना बना था, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, मेरे को निकाला नहीं घर से, माया तो ट्रक आता है ट्रक, और सारे कोशिश करते हैं इसे फेंकने की, उठा नहीं पाते इसे, और देखो साइज के अकॉर्डिंग गाड़ी आ रही है। लोग पता क्या करते हैं, लोग क्या, हम लोग भी कई बार ऐसे करते हैं कि जो गार्बेज फेंकते हैं ना, गार्बेज हम अपनी नजरों के सामने नहीं फेंकेंगे, वो दूर और दूर फेंकेंगे, ताकि हमें दिखे ना, ताकि हमें दिखे ना, हमें दिखेगा हमें दिखे वो डर्टी लगे, पे फेंक दो, एटलीस्ट कोई उठाने वाला आएगा तो उसको दिक्कत तो नहीं होगी। आप नहीं कैरी कर सकते तो दूसरा तो कर लेगा, बिल्कुल बस वो चीज़। देखो अगर यहाँ से मैं पानी की बोतल वहाँ फेंकूँ, वहाँ तो वो ट्रैक नहीं है ना, बिल्कुल वहाँ कौन साफ करेगा, बिल्कुल बारिश आएगी सब बहेगा नीचे वापिस सिटी के, सिटी के अंदर। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी होती है कुछ भी चाहता है, गलती तो अगर होती रहती है, बट ये कि थोड़ा ध्यान रखें तो बहुत कुछ बदल सकता है। मसाज हो रही है, मसाज फुट मसाज हो रही है। मैं कह जी ट्रैक करने के बाद ऐसे पानी में पैर डालो और आराम नाल ऐसे बैठो, सारा दर्द गायब हो जाना है। आधी रास्ते आ चुके हैं, आधी रास्ते के ऑलमोस्ट आ चुके हैं, अब 1 से 1.5 किलोमीटर रह जाता है, सारा गार्बेज पिक कर लिया है और मजे से आ रहे थे, एडवेंचर करते थे। अच्छा, जाने में तो बहुत थकावट हुई थी, आने में नहीं पता लगी, आने में आपको मेरे चेहरे पर भी दिख रही होगी, इसलिए हीलिंग चल रही है और वहाँ पे तैयारी चल रही है अंदर आने के लिए। और अंशु भाई अभी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं नहाऊँ या पैर डालूँ सिर्फ। देखो कितना प्यारा वाटरफॉल आ रहा है, एक नीचे और है, एक यहाँ पर है, ये रिवर क्रॉसिंग है बेसिकली, और ऊपर भी लोग बैठे हैं इन्जॉय कर रहे हैं। और हमें यहाँ जाना है, ये स्वर्ग का दरवाज़ा, आपने पहले एपिसोड में देखा होगा, ये स्वर्ग का दरवाजे से हम एग्जिट लेंगे। जो बंदा पानी में उतर गया उसका काम होता है सबको भिगाना। यार जाके लाइक दिस ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में बताना क्या, कैसा, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। मैं सजेस्ट करूंगा एक बार जरूर आना त्रिउंड में कैंपिंग करने, और जब भी आओ अंशु भाई को कांटेक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा। मैक्लोडगंज की मार्केट नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे, पूरा फूड वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर मैक्लोडगंज में।